सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल गैजेट्स। तो मेरे को सारे बंदे पूछते थे मैसेज करके कि भाई मैं चैनल मोनेटाइज हो गया, अब तो अच्छी कमाई हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। तो उसके लिए मैं सभी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब कुछ भी मैं ब्लर नहीं करने वाला, मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि चैनल में एक्चुअल चल क्या रहा है जो ट्रैवल गैजेट का है। हाँ ठीक है, इसमें मैं एनालिटिक्स पे जा रहा हूँ। तो ये देखो, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो 1810 सब्सक्राइबर हैं और 48 आवर में व्यूज़ हैं वो 492 है। ज़्यादा ज़्यादा 600 आते हैं या 650 आते हैं, ठीक है, मतलब 650 और 600 के आसपास आते हैं। और लास्ट 28 डेज़ की एंगेजमेंट क्या है, ये 7.9K व्यूज़ हैं, ठीक है, और वाच आ रही है और $3 है, मतलब कि एक मंथ में $3 आ रहे हैं अभी। तो समझ जाओ कि कितनी आमदनी हो रही है YouTube से, ठीक है। अब लाइफ टाइम का चेक करेंगे क्योंकि 3-4 मंथ हुए हैं अभी उसको मोनेटाइज हुए वो, तो मतलब 3-4 लाइफ टाइम का यही है कि 22 डॉलर है भाई, बहुत ज़्यादा मनी है। खर्च वर्च में मैं पागल हो जाऊँगा, बट ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये है जो असलियत है एक्चुअल में, क्योंकि मोनेटाइजेशन होना अलग बात है, बट मोनेटाइजेशन के बाद आपके जो मनी है, अर्निंग मनी है, वो डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे, ठीक है। अब ये देखो मेरे व्यूज़ हैं, मतलब कि मेरे को लाइफ टाइम में इतने व्यूज़ मिले हैं, बट जो अर्निंग है वो ये देखो। ये चीज़ मैं सभी को दिखाना चाहता था, ठीक है, कि एक्चुअल में मोनेटाइजेशन के बाद होता क्या है। अकेले मोनेटाइजेशन ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए व्यूज़ ज़रूरी है, एंगेजमेंट ज़रूरी है, दैट के आप अर्निंग कर सको, ठीक है। तो ये वीडियो इसी के लिए थी, दैट के आप लोगों को समझ आ जाए कि मोनेटाइजेशन के बाद होता गया है। इसलिए मैंने कुछ ब्लर नहीं करा, ये सामने आपके सब कुछ। इस व्लॉग में इतना ही था। आप अपनी प्लीज़ अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है, मोनेटाइजेशन को लेके, व्यूज़ को लेके, कि आगे कैसे करना चाहिए, या सुजेशन कोई भी हो किसी का, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दे, ताकि मेरे को अगर नहीं पता चल रहा तो मेरे को पता चल जाए, ठीक है, कि चैनल को कैसे ग्रो करना है। तो कुछ भी है तो प्लीज़ अपना कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं भाई, सीधी सी बात है, कम से कम इस वीडियो का तो एंगेजमेंट हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग।